ये कहानी कैसे बच्चे की है जो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। उसके आस पड़ोस के लोगों ने माता पिता को बोला कि ये तो अंधा है, इसका मर जाना ही बेहतर है। माँ बाप ने ऐसा नहीं किया। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, स्कूल में दाखिला दिलाया। स्कूल में उसके साथ एक अलग लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बच्चे साथ नहीं बैठते थे, उसको पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ता था। बच्चा पढ़ाई में अच्छा था। टेंथ में जाके उसने जब डिसाइड करना था कि वो साइंस साइड ले आर्ट साइड ले, पता चला कि वो साइंस साइड ले ही नहीं सकता। उसने आंध्र प्रदेश बोर्ड पे ही केस ठोक दिया। 6 महीने के इंतज़ार के बाद जब उसको एडमिशन मिला तो बच्चे ने अपना पॉइंट प्रूफ किया और 98% के साथ में 12th में टॉप किया। बच्चा IIT जाना चाहता था, पर जब वो एंट्रेंस के लिए गया तो पता चला कि उसको वहाँ बैठने ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो अंधा है। बच्चे ने कहा, यदि IIT को मैं नहीं चाहिए तो मुझे भी IIT नहीं चाहिए। फाइनली ही डिसाइडेड कि वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेगा। उसको MIT जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया। जब MIT कंप्लीट की तो सबको बड़े बड़े ऑफर्स थे, गूगल से, फेसबुक से, बड़े बड़े जगहों से ऑफर्स थे। पर श्रीकांत ने डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान जाके अपने ही जैसे लोगों के लिए काम करेगा, अपने ही जैसे अंधे और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए काम करेगा। उसने यहाँ पर आकर एक समन्वयी नाम की एक NGO चालू की जो ब्रेल भाषा में पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, जिसमें एक लाइब्रेरी, एक प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने खोली। ये सब करने के बाद भी उन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही थी। श्रीकांत बड़े आहत हुए और उन्होंने डिसाइड किया 2012 में कि वो एक कंपनी खोलेंगे जो नौकरी भी ऐसे लोगों को देगी जो इस तरह से ट्रेंड हैं या एजुकेटेड हैं। वॉलेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की उन्होंने एक कंपनी खोली जिसमें वो ना सिर्फ ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते थे बल्कि उनको नौकरी भी देते थे। 2016 में रतन टाटा ने लगभग 13 करोड़ रुपए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। आज उनकी कंपनी 1300 करोड़ की वर्थ की है, 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, 2500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और 5 इंडस्ट्रियल यूनिट्स उनकी लगी हुई हैं। मुझे कहानी बहुत इंस्पायर करती है इसलिए क्योंकि ये कहानी सिखाती है कि आप किसी भी परिस्थिति में पैदा हो, आप ना सिर्फ अपने जीवन का सुधार कर सकते हो बल्कि आप अपने जैसे बहुत सारे और लोगों का भी जीवन सुधार सकते हो। श्रीकांत बोला, जो 32 साल के हैं इस वक्त, उनकी इतनी बड़ी सक्सेस की कहानी ये भी सिखाती है कि आपके भले ही आपके पास में भगवान ने विजन नहीं दिया हो, लेकिन आपका विजन, आपकी सोच बहुत बड़ी होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में, या क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिस पर फिल्म बनाई जानी चाहिए? आप हम तक भेजें। धन्यवाद। थैंक यू।